हेलो दोस्तों, बॉस ऑफ इंडियन शेयर बाजार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हाँ, आपको पता ही है क्या ब्लड बात हुआ है आज दलाल स्ट्रीट में, सेंसेक्स में, निफ्टी में। ओके, क्या मार्केट गिरी है, एवरी वन नो अबाउट इट। ओके, जो भी मार्केट में रहते हैं मुझे भी बताने की जरूरत नहीं है क्यों हुआ, वो भी बताने की जरूरत नहीं है। बट एक थोड़ा सा एक आध मिनट का उसका व्यू लेंगे और मैं आपको कुछ मैं बताऊंगा कि क्या कहते हैं हम मेरा मेरा जो लॉस था ना के बराबर था, और मॉर्निंग में से ही मैं पॉजिटिव चल रहा था। आई एम नॉट अ ट्रेडर, आई एम अ इन्वेस्टर लाइक यू। ओके, अगर सोच रहे हो कि मैंने शॉर्ट किया होगा, मैं ऑप्शन या फिर फ्यूचर्स में खेल रहूँगा उसमें मैंने शॉर्ट किया होगा, तो ऐसा कुछ नहीं था। मैंने पुट कॉल लिया, पुट किया होगा, ऐसा कुछ नहीं था। जस्ट सिंपल आई एम अ इन्वेस्टर, मैं इन्वेस्टमेंट की तरह ही मैंने डील किया था। बट मॉर्निंग में मैं पॉजिटिव चल रहा था और लास्ट में आते आते मैं नेगेटिव में था, बट थोड़ा सा ही नेगेटिव में था। क्यों था उसका कारण जानेंगे, और मैंने आपको बताया भी था। आप भी उसी अगर आपने वीडियो को देख रहे होंगे और अगर आप उन शेयर को खरीद रहे होंगे तो आप भी थोड़े बहुत ही नुकसान में होंगे, बहुत कम नुकसान में होंगे। बाकी ये भी नुकसान देखिए आगे चल के बढ़ जाएगा, उसका रीज़न भी बताऊंगा क्यों। तो आइए वीडियो की तरफ चलते हैं। बट बिफोर दैट, वीडियो में आगे बढ़े हमेशा की तरह आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, हमारे चैनल बॉस ऑफ इंडियन शेयर बाजार को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लोगों तक शेयर करें, ताकि हमें हमारा मोटिवेशन बढ़ता रहे, ये चैनल ग्रो होता रहे और लोगों के पास इस हमारी वीडियो पहुँचती रहे। एज वेल एज नीचे डिस्क्रिप्शन में दो लिंक दे रखे हैं, एक आपको ये लिंक दे रखा है। इस पर क्लिक करेंगे तो आपका फ्री में डीमेट अकाउंट एंजल ब्रोकिंग के साथ हो जाएगा, जो सिविल रजिस्टर्ड है। और एक और लिंक है, यहाँ अयोध्या में श्री राम जी का मंदिर बन रहा है, यहाँ क्लिक करेंगे तो उनकी वेबसाइट पर आपको ले जाएगा और आप अपनी इच्छा अनुसार पुण्य काम में मदद कर सकते हैं, डोनेट कर सकते हैं। तो आइए वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले निफ्टी 568 पॉइंट डाउन, लगभग 3.76% डाउन। अच्छा खासा चल रहा था मेरा, मेरा तो यहाँ पर कोई लॉस नहीं चल रहा था, यहाँ तक तो मैं ठीक था और मॉर्निंग में तो मैं पॉजिटिव में था। अच्छा खासा 4-5 हज़ार रुपये प्रॉफिट में चल रहा था। बट यहाँ पर आते आते मैं भी यहाँ पर नेगेटिव में चला गया, बट इतना नहीं गया जितना मुझे जानना चाहिए, जितने अगर दूसरे लोग गए होंगे। और अगर यहाँ पर देखें सेंसेक्स, तो सेंसेक्स भी यहाँ पर आप देख सकते हैं 2000 पॉइंट्स नीचे 3.8%। एज वेल एज बात करें यहाँ पर बैंक निफ्टी, तो यहाँ पर देखिए निफ्टी में क्या हाल है। सॉरी, निफ्टी का नहीं निकला, निफ्टी में भी लगभग 200 कितना अगर बात की जाए, अच्छा खासी गिरावट वहाँ पर निफ्टी में भी हुई है। अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सारे के सारे शेयर, मतलब यहाँ पर आप देखेंगे सभी शेयर यहाँ नेगेटिव में चल रहे हैं। कोई भी एक ऐसा सिंगल शेयर नहीं था जो पॉजिटिव में हो। एवरी इंडिविजुअल शेयर इन द इंडेक्स वॉज इन नेगेटिव। नेगेटिव में ही क्लोज हुआ है, कोई छोट थोड़ी है तो कोई ज़्यादा। और अगर बात की जाए यहाँ पर क्या रीज़न है, तो अगर यहाँ पर रीज़न देखें यहीं पर ही बता रहे हैं क्या। एक तो रीज़न बता रहे हैं यूएस में जो बॉन्ड यील्ड है, उसमें ज़्यादा शिफ्ट होते हुए जा रहे हैं, इक्विटी छोड़ के जा रहे हैं, तो शायद इस वजह से। अगर बात की जाए दूसरी बात, तो यहाँ पर यूएस ने सीरिया में अटैक कर दिया है, इसकी वजह से शायद यहाँ पर मार्केट में थोड़ा सा टेंशन बढ़ गया था। तो यही था, बाकी और कुछ नहीं था। और अगर मार्केट में फॉरेन इन्वेस्टर को ज़्यादा बेचना ही होता मुझे जो लगता है, तो देखिए यहाँ पर परसों के दिन उन्होंने 28 हज़ार करोड़ रुपए की, लगभग 29 हज़ार करोड़ की दोनों की मिलाते हैं DIS और FIIs, तो 29 हज़ार करोड़ रुपए की यहाँ पर खरीदारी करी है अच्छी खासी। और यहाँ पर कल की डेट में भी उन्होंने खरीदारी करी है और DIS ने कुछ खास बेचा नहीं है, तो आज की डेट में टेंशन में उन्होंने बेचा जरूर है और पैनिक में दूसरे लोगों ने भी अच्छा खासा बेचता हुए नज़र आए। बट इस तरीके से नहीं बेचा। बट अब बात करें कि हमारा लॉस ज़्यादा क्यों नहीं हुआ, तो इसके पीछे कुछ रीज़न है। देखिए, आई एम ओवरवेट, मैं कुछ पर्टिकुलर स्टॉक्स में ही ओवरवेट हूँ, और क्यों हूँ इसके पीछे का रीज़न भी मैं आपको बता देता हूँ। और मैं आपको पिछले काफ़ी दिनों से केवल उन्हीं शेयर से रिलेटेड वीडियो बना रहा हूँ और कुछ अलग शेयर के बारे में बात ही नहीं कर रहा हूँ। और मैं आपको बता भी रहा हूँ कि आपको अलग शेयर में जाने की ज़रूरत ही नहीं है। क्यों है आपको अलग शेयर में जाने, आपके पास अच्छे शेयर है, उन्हीं में आप बाय एंड टॉप्स करिए और एन्जॉय करिए एक रैली को। तो देखिए, सबसे पहले आई एम ओवरवेट इन IRCTC। IRCTC आज के दिन में जान मार्केट नेगेटिव में थी, अच्छा खासा पॉजिटिव चल रहा था। 1809 तक ये ऊपर गया भी था। और बहुत जल्दी देखिए इसका जो 52 वीक हाई है लगभग 2000 के आसपास, वहाँ पर भी जाता हुआ दिखाई देगा। तो इस शेयर को बेचो मत, नीचे देखिए आता रहेगा, जाता रहेगा। यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर हम देखते हैं तो ऊपर नीचे आता जाता रहेगा, बट ये शेयर आपको मैक्सिमम भी चार्ट पैटर्न देखेंगे, अच्छा खासा आपको रिटर्न देता हुआ फ्यूचर में नजर आएगा। तो ये जब भी मिले बाय एंड डिप्स आप कर लीजिएगा, अच्छा खासा शेयर है। तो मेरे पोर्टफोलियो में और सबसे ज़्यादा शेयर इसी के हैं, तो आई वॉज इन पॉजिटिव फर्स्ट। दूसरी बात, मैं हमेशा ही आपको बता रहा हूँ कि
कि आप आईटी में ओवरबोर्ड रहिए। और क्यों? क्योंकि आईटी पहली बात तो अच्छे रिजल्ट पेश कर रहे हैं, फंडामेंटल सारी कंपनी है, और निफ्टी 50 के आप देखेंगे ना सारे शेयर में 5-5, 6-6, 10-10, 6-7% की गिरावट है। बट यहाँ पर अगर देखेंगे, ये निफ्टी 50 का पार्ट नहीं है, बट स्टिल यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर देखिए, इसमें भी मैं ओवरवेट हूँ, तो यहाँ पर देख लीजिए क्या, तो ये इसमें कुछ भी गिरावट नहीं है, वह केवल 1.34% की गिरावट है। मैं आपको डिविस लैब काफ़ी दिनों से बता रहा हूँ, और बता रहा हूँ डिव बाय ऑन डिप्स करते रहिए। देखिए और नीचे तो शुरुआत में तो ये भी ऊपर गया था, अच्छा खासा पॉजिटिव भी चल रहा था, बट लास्ट में आते 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 ये नीचे चला गया। बट नॉट एन इशू, ये कितना बेहतरीन शेयर है, आप इसके चार्ट पैटर्न से देख सकते हैं। ओके, निफ्टी 50 का भी रिसेंटली में पार्ट भी बना है, तो इसकी तरफ आप नज़र बना के रख सकते हैं। बाय एंड डिप्स करते रहिए, इनका मैंने आपको पूरा फंडामेंटल स्टडी करके बना रखी है वीडियो, ऊपर आई बटन पर लिंक दे दूंगा, वरना आप मेरे चैनल पर जाएंगे डिविस लैब से नाम से सर्च करेंगे, डिविस लैब फंडामेंटल एनालिसिस बाय BOIS या बॉस ऑफ इंडियन शेयर बाजार, तो आपको पता चल जाएगी। बात करें इन्फोसिस, इन्फोसिस में आपको बता ही रहा हूँ, बाय एंड डिप्स करते रहिए, गिर रहा है, देखिए प्रॉफिट बुकिंग हुई है यहाँ से। ओके, 13 मतलब 1400 के आसपास ये शेयर चला गया था, यहाँ पर बात करें इतना, फिर इसके बाद से भाई यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग भी है और कुछ नहीं हुआ है। ये शेयर बेहतरीन शेयर है, और इसके पीछे की रीज़न क्या है कि मैंने ये अभी तक रख रखे है, तो मैं आपको बताता हूँ अभी। SCL Tech यहाँ पर देख लीजिए, कुछ खास गिरावट नहीं, केवल 1 और 2% गिरे हैं। LTI, ओके, आपको बताया जा रहा हूँ कि बाय एंड डिप्स करते रहिए, आज ये निफ्टी ये सॉरी फ्यूचर एंड ऑप्शन का पार्ट भी बना था, और अच्छा खासा शेयर है, डेट फ्री शेयर है, और ये TCS को टक्कर देने वाला शेयर है। ओके, TCS के बारे में मैंने आपको बताया है कि वो भी बाय एंड डिप्स करते रहिए। तो IT में मैं ओवरवेट हूँ, ओके, उसके बाद थोड़ा बहुत फार्मा में हूँ, और बाकी मैंने जितने भी शेयर है मेरे, या तो निफ्टी 50 के पार्ट है, या फिर अच्छे खासे दूसरे, अगर मिड कैप में भी है तो थोड़े बहुत अच्छे शेयर ही है मेरे पास, बेकार शेयर मेरे पास है नहीं, तो इसलिए मैं नेगेटिव में ज़्यादा नहीं था। मैं ठीक है, मैं एंजॉय कर रहा था रैली को, मैंने कि देखो क्या हो रहा है, आई वॉज इन प्रॉपर इन न्यूज़, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, और अपने पोर्टफोलियो को भी देख रहा था, और अच्छे अच्छे शेयर खरीद भी रहा था, और कौन से शेयर मैंने खरीदे आज की डेट में मैं आपको बताऊँगा। ओके, तो कहाँ खरीदे हैं वो मैं अगली वीडियो में बताऊँगा, उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। बट आपको बता देता हूँ क्यों मैं इसमें ओवरवेट हूँ। देखिए, जब अभी भी कोविड का सीज़न चल ही रहा है, आपको पता ही है कि कोविड आ रहा है, और कोविड की एक टेंशन है। ओके, जैसे जैसे आएगा तो नीचे गिरेंगे, बट कुछ पॉजिटिव वाइब्स भी है। देखिए IRCTC, देखिए बहुत जल्दी ट्रेन चालू होंगी, इतना भी नहीं है, थोड़ा बहुत कोविड है बट इतना भी नहीं है, बट स्टिल अभी भी वर्क फ्रॉम होम का कल्चर है, और वर्क फ्रॉम होम चलता रहेगा। तो यहाँ पर जो जितने भी IT शेयर है ना, इन्फोसिस, SCL, ITI, LTI, ओके, LTTS, टाटा एलेक्सी, तो ये भागेंगे, तो इन शेयरों की तरफ नज़रें बना के रखिए। और इन्हें अभी भी, ये जब ये मार्च में अप्रैल में इनका रिजल्ट आएगा ना, तो ये शेयर आपको यहाँ नहीं दिखेंगे, ये शेयर आपको अलग ही लेवल पर दिखेंगे। इसका जो 52 वीक हाई है 4500 है, मैं आपको लिख के दे रहा हूँ कि एक शायद इस लेवल को तो देखिए क्रॉस करेगा ही करेगा, नो डाउट। ओके, बट ये 5000 रुपये तक भी शायद जा सकता है आफ्टर इट्स, मतलब इसके जब रिजल्ट्स आएंगे ना अप्रैल में और मार्च में, या अप्रैल में जब आते हुए नजर आएंगे, अप्रैल में ही, तो ये शेयर भागते हुए मुझे नजर आएंगे। LTI, SCL Tech, इन्फोसिस, TCS, ओके, डिविस लैब भी तब तक भाग जाएगा, अभी ये कंसोलिडेट कर रहा है, करने दो। इन्फोएज, जिस दिन जोमेटो और पॉलिसी बाजार के IPO मार्केट में नज़र आए गए, जो कि इस साल में आने ही है मेरे ख्याल से, और जैसे ही आ गए तो मुझे ये 10,000 का लेवल नज़र आता है साफ, जो मेरे को पर्सनली लगता है 10,000 ये टच करेगा, कोई भी इसे कोई रोक नहीं पाएगा, और 10,000 भी नहीं करता ये, 7,000 भी, 8,000, तो अच्छा खासे प्रॉफिट पे हम बैठेंगे। तो ऐसे शेयर बाय ऑन डिप्स करने हैं, इसलिए आप देख सकते हैं कुछ भी गिरावट नहीं थी। और दूसरे जो शेयर थे, अगर आप देखेंगे बैंक में, जब मैं ओवरबोट होनी, मेरे पास थोड़े बहुत ही शेयर है, बट फिर भी मेरे पास अच्छे अच्छे शेयर कंपनी के शेयर है, तो अभी बैंक में मैं आपको बताऊंगा कि कौन से शेयर आपको लेने हैं, तो अगला वीडियो जरूर देख लीजिएगा, तो आपको पता चल जाएगी। बाकी देखिए, यहाँ पर सारे के शेयर काफ़ी बेहतरीन है, और कुछ शेयर काफ़ी अच्छे लेवल पर मिल रहे हैं, तो मैं आपको वो शेयर रिलेटेड अगले वीडियो में बताऊंगा। एक शॉर्ट वीडियो बनाएंगे बनाएंगे और बताएंगे कि कौन कौन से शेयर अच्छे हैं और क्यों हैं, उसके पीछे का रीज़न भी। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर करिएगा, और इन कुछ भी पोजीशन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर पूछ लीजिएगा, और हमारे इस चैनल बॉस ऑफ फाइनेंशियल बाजार को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, बेल आइकन को हिट कर लीजिएगा, और हमारे इस चैनल को ग्रो करने में मदद करिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर इस वीडियो को एज वेल एज हमारे इस चैनल को